हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की सीआईबी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज बीएफएम के मॉड्यूल सी को। दोस्तों, बीएफएम का मॉड्यूल सी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बीएफएम के मॉड्यूल सी का माइक्रो नोट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वैसा पॉइंट शेयर करूँगा जिसे आप लोग फास्टली रिवाइज कर पाएंगे बीएफएम के मॉड्यूल सी को। तो आपको बस करना क्या है कि अगला 15 मिनट मुझे ध्यान से सुनना है और मैं आप लोगों को बीएफएम के मॉड्यूल सी का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आप लोगों को यदि कम टाइम है, जैसे एग्जाम के जस्ट पहले आप यदि इसे देख के जाएंगे तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसे आप लोग तुरंत से तुरंत कर पाएंगे और एक बार रिविजन भी हो जाएगा आपको। तो यदि क्विक रिविजन करना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अच्छे से देखें और अभी तो एक बार जरूर देख लें, एक बार आपको क्विक रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरा बीएफएम का मॉड्यूल सी देखा है उन लोगों को काफ़ी आसान होगा रिवाइज करने में, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे एक लिंक मिलेगा आपको, वहां क्लिक करें। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है बीएफएम मॉड्यूल सी का, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ समझाया है। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो, तो उन्हें क्लियर करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट वाले लेसन में जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वोलेटिलिटी क्या होता है। दोस्तों, ये टर्म वोलेटिलिटी का मतलब, तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि यदि प्राइस में वेरिएशन हो, प्राइस में वेरिएशन कैसे होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो ये जो वेरिएशन होता है प्राइस में, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, मैं माइंड मैप से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। माइंड मैप आप लोगों को पता होगा, ये जो तरीका है माइंड में मैप बनाने का, उससे मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। दोस्तों, मार्केट रिस्क की जहाँ तक बात है उसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क आती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आती है, करेंसी रिस्क आती है और ट्रेजरी रिस्क भी आती है। सो वी कैन से दैट ट्रेजरी रिस्क इज अ पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क। हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रेजरी रिस्क है हमारा वो किसका पार्ट है, वो मार्केट रिस्क का एक पार्ट है। चलिए, अब जहाँ तक बात आती है ट्रेजरी रिस्क की, इसे फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा इंटरनल कंट्रोल और एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। तो दोस्तों, हम लोग इन दोनों कंट्रोल के बारे में डिस्कशन करते हैं अच्छे से। एक क्या है हमारा इंटरनल कंट्रोल और दूसरा क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। देखिए, इंटरनल कंट्रोल में आपका दो तरह का लिमिट होता है दोस्तों, एक होता है पोजीशन लिमिट और एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट। आइए इसे हम लोग शॉर्ट में समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, जहाँ तक बात है हमारी पोजीशन लिमिट की, पोजीशन लिमिट में क्या होता है कि जो गैप का लिमिट होता है वो मैनेजमेंट अप्रूव करती है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो अप्रूव करेगी कि जो गैप है उसका क्या लिमिट होगा। किस गैप का मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल गैप की, ठीक है। और आरबीआई के द्वारा इसका ओवरनाइट मनी अप्रूवल होता है, सो आरबीआई अप्रूव द ओवरनाइट मनी। और जहाँ तक बात है स्टॉप लॉस लिमिट की, तो स्टॉप लॉस लिमिट को डिफाइन किया जाता है पर डील, पर डे, पर मंथ और पर ईयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ वीक आया नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन में हो सकता है आपको पर वीक दे दे, तो ये गलत है, वीक नहीं लेना है हमें, ठीक है। चलिए, जहाँ तक बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की, तो देखिए इसे भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझाया है इन सभी ऑफिस का फंक्शन को, तो आपको ये करना क्या है कि इस फंक्शन को, इनके फंक्शन को जरूर पढ़ लीजिए। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ लिख दिया हूँ कि इसे फंक्शन को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि VAR के बारे में। VAR क्या होता है दोस्तों? VAR होता है हमारा वैल्यू एट रिस्क। तो वैल्यू एट रिस्क निकालने का क्या क्या अप्रोच है, तो देखिए हमारे पास तीन अप्रोच है, वैट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को पैरामेट्रिक अप्रोच कहते हैं, या कोरिलेशन अप्रोच कहते हैं, या वेरियंस को वेरियंस अप्रोच कहते हैं। सेकेंड को हम लोग मोंटे कार्लो सिमुलेशन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग मोंटे कार्लो वाले सिमुलेशन में क्या करते हैं, अ नंबर ऑफ सिनेरियोज आर जनरेटेड एट रैंडम, मतलब रैंडम में हम लोग ढेर सारा सिनेरियो को जनरेट करते हैं। और थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल डाटा अप्रोच। तो दोस्तों, हम लोगों ने VAR निकालने का तीन अप्रोच देखा, पैरामेट्रिक, मोंटे कार्लो और हिस्टोरिकल डाटा। चलिए, तो ये था हमारा VAR से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स। अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमारा दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है OTC ओवर द काउंटर, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं ETF, ठीक है दोस्तों, ETF। चलिए तो फ्रेंड्स, जरा देखें शॉर्ट में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, OTC और ETF के बीच में। OTC कौन ऑफर करती है, कोई बैंक ऑफर करेगी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करेगी, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट कौन ऑफर करेगा, ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कोई ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज ही इसे ट्रेड कर सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसे ट्रेड कर सकती है, लेकिन ये किसी भी बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा OTC हमारा ऑफर किया जाता है। और देखिए, OTC की एक और खासियत क्या है कि इसके अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है, टाइम होता है, साइज होता है, ये सब का सब क्लाइंट प्रिस्क्राइब करता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्री सेटलमेंट होता है, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो डिफरेंस आप लोगों के सामने क्लियर किया है। यदि आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है उसमें जाके देखें, और अच्छे से मैंने पूरे से समझाया है इन दोनों चीज़ को। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं हमारे। तो डेरिवेटिव के मैंने तीन पार्ट देखे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन और स्वैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो फ्यूचर का डेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फ्यूचर का डेट क्या होता है, फिक्स होता है। और जो करेंसी है जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रही है उसे हमेशा हम लोग डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं। सो करेंसी कैरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज एट डिस्काउंट। ठीक है, और इस केस में रिस्क क्या होता है, जीरो। इस केस में रिस्क होता ही नहीं है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। पहला है कि फ्यूचर डेट फिक्स होता है इसका, दूसरा है कि हम लोग इसे डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं, इसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है करेंसी का, और तीसरा है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अचीव जीरो रिस्क। जहाँ तक बात है ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है कॉल ऑप्शन, एक है हमारा पुट ऑप्शन। पहले बात करते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन की। देखिए कॉल ऑप्शन में क्या किया गया है कि जो ऑप्शन होल्ड कर रहा है उसे हम लोग होल्डर कहते हैं। तो होल्डर के पास एक राइट होती है, किस चीज़ की राइट होती है दोस्तों, कि वो किसी भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ये कीवर्ड है दोस्तों, खरीद सकता है, दिस इज द कीवर्ड, दिस यू शुड कीप इन माइंड। कॉल में खरीदना होता है दोस्तों। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि कोई भी होल्डर किसी भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट को खरीद सकता है किसी भी प्रीफिक्स्ड रेट पे। पहले से रेट फिक्स रहेगा, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे खरीदेंगे। किसे खरीदेंगे, तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसे इसका दूसरा नाम है स्ट्राइक रेट। देखिएगा दोस्तों, ये स्ट्राइक रेट वर्ड आगे आने वाला है, रिपीट होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा कॉल ऑप्शन का ही रेट है। कॉल ऑप्शन को ही हम लोग स्ट्राइक रेट भी कहते हैं। तो फिर से मैं समझा दूं, होल्डर के पास एक राइट होती है कि वो खरीद सकता है किसी प्रोडक्ट को पहले से जो रेट फिक्स है उस पर, उसे इसी राइट को हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। जहाँ तक बात है पुट ऑप्शन की, तो राइट टू द होल्डर टू सेल द अंडरलाइंग प्रोडक्ट, मतलब अंडरलाइंग प्रोडक्ट को बेचने का राइट होता है दोस्तों, हक होता है। यहाँ देखिए अंतर क्या है कॉल और पुट में। पुट में सेल करना होता है और कॉल में हमें खरीदना होता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि हक होता है, राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। किस किसका राइट है, होल्डर का राइट है। किस चीज़ के लिए राइट है, कि वो किसी प्रोडक्ट को बेच देगा। और कॉल में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीद लेगा। उम्मीद है इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कॉल और पुट का। चलिए कोई आप लोग नेमोनिक बना लीजिए ताकि याद रहेगा, जैसे पी है, पी के साथ आप लोग आर जोड़ लीजिए, सॉरी पी के साथ आप लोग एस जोड़ लीजिए, कोई नेमोनिक बना लीजिए, इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ एक्सपायरी डेट, जो कि बार बार आएगा। तो जो स्पेसिफाइड टाइम होता है ना दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट कहते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, इनके लिए सेटलमेंट होती है दोस्तों। तो हमारे पास दो तरह के सेटलमेंट है, ये हमारा माइंड मैप है, ये याद करने का बेस्ट तरीका है दोस्तों। देखिए किस तरह मैंने माइंड मैप में आप लोगों को समझाया है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, आपस में कोरिलेट करता गया मैं। और ये माइंड मैप आपको जब बन जाएगा ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को। तो उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे, जब भी आप लोग प्रिपेयर करें तो इस तरह का माइंड मैप खुद से बनाने का प्रयास करें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी मॉड्यूल का इस तरह का माइंड मैप बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों को उस पार्टिकुलर मॉड्यूल का अपना बनाया हुआ माइंड मैप आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, तो सेटलमेंट की जहां तक बात कर रहे थे हम लोग, तो दो तरह की सेटलमेंट होती है, एक होता है अमेरिकन सेटलमेंट और एक होती है यूरोपियन सेटलमेंट। तो हम लोग भारत में किसे फॉलो करते हैं, हम लोग भारत में यूरोपियन वाले को फॉलो करते हैं। तो आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो देखिए डिफरेंस ये है कि अमेरिकन सेटलमेंट में जो सेटलमेंट होता है वो एक्सपायरी डेट से पहले हो जाता है, बिफोर, और यूरोपियन वाले में क्या होता है, सेटलमेंट होता है एक्सपायरी डेट को ही। यही बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। चलिए उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब तीन टर्म आता है दोस्तों, एक होता है एटीएम, एक होता है आईटीएम, एक होता है ओटीएम। एटीएम क्या होता है दोस्तों, एट द मनी। आईटीएम क्या होता है, इन द मनी। ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ मनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एटीएम का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्राइक प्राइस। एटीएम के केस में क्या होगा, जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस होगा। और जहाँ तक जब हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, तो उस केस में जो आईटीएम होगा हमारा, उसमें स्ट्राइक प्राइस कम होगा स्पॉट प्राइस से, और ओटीएम में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगा स्पॉट प्राइस से। चलिए उसी का पुट ऑप्शन जस्ट इसका अपोजिट है। पुट ऑप्शन में क्या होगा कि आईटीएम के केस में स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और रिवर्स। तो देखिए इतना कुछ समझ, यदि आपको नहीं समझ में आया सब चीज़, तो मैं एक सिंपल लाइन में आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। बस ये दो लाइन आप लोग याद करेंगे, इसे ध्यान रखिए। आईटीएम तब होता है दोस्तों जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो ज़्यादा बेहतर है मार्केट प्राइस से। ठीक है, मतलब हमने जो प्राइस डिसाइड किया है, प्रीफिक्स किया है कि नहीं मैं इस प्राइस पे बेचूंगा या इस प्राइस पे खरीदूंगा, सॉरी स्ट्राइक प्राइस है तो कॉल ऑप्शन वाली बात है दोस्तों, तो इस प्राइस पे मैं जो भी करूंगा, तो उसका जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, वो यदि मार्केट प्राइस से बेटर है तो आईटीएम होगा। ठीक है, और ओटीएम कब होगा, जब स्ट्राइक प्राइस है जो है वो वर्स है मार्केट प्राइस से। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोग बस इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
अब देखिए दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेन वैनिला ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है प्लेन वैनिला ऑप्शन, प्लेन वैनिला ऑप्शन, तो इसे समझिए। देखिए एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं होता है, एन ऑप्शन विदाउट एनी कंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन, इज कॉल्ड प्लेन वैनिला ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी एंड एसेट एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जो कि हमारा अगला लेसन है उसके बारे में। देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि करंट गाइडलाइंस है, वो स्टिपुलेट करती है कि जो कुमुलेटिव मिसमैच है ना, वो क्या होना चाहिए, उसका देखिए चार्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे कि कुमुलेटिव मिसमैच अगले दिन के लिए होना चाहिए कितना, 5%, 2 से 7 दिन के लिए होना चाहिए 10%, 8 से 14 दिन के लिए होना चाहिए 15%, और 15 से 28 दिन के लिए होना चाहिए 20%। तो ये कुमुलेटिव, ये करंट गाइडलाइन स्टिपुलेट करती है हमारे कुमुलेटिव मिसमैच को। चलिए अब एक और की टर्म है एनआईआई। एनआईआई क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इंटरेस्ट अर्निंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है दोस्तों, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट जो अर्न किए हम लोग, या इंटरेस्ट में जो पेमेंट किए, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग एनआईआई कहते हैं। और एक और टर्म है रिप्राइजिंग रिस्क, आइए इसे समझते हैं क्या होता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का मिसमैच है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्राइजिंग रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेसन, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आप लोग किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल का ऐसा ही माइंड मैप चाहते हैं जिसे आप लोग तुरंत रिवाइज कर पाएं उन टॉपिक को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जरूर आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा एक फेसबुक चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए, मैं जो भी अपडेट देता हूँ आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लेसन को मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।